हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द अग्रवाल ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, जो अभी रिसेंट में फर्स्ट सेमेस्टर का रेगुलर एग्जाम हुआ है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो अभी सब्जेक्ट का नाम चेंज हो चुका है, अभी फिलहाल हम उसको लिखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्योंकि आप सभी को पता है कि लास्ट सेशन जो अभी शुरू हुआ था 2022-23 जो चल रहा है अभी, ऑड सेमेस्टर जो खत्म हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर, उसमें यूनिवर्सिटी ने कुछ रिविजन्स किए थे सिलेबस में, जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट AKTU में फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया है, और जो सब्जेक्ट कोड अभी हम लिख रहे हैं वो है PEE 101। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट में पेपर हुआ है, इस बार जो क्वेश्चन पेपर आया था उस पे डिस्कशन हमें करना है, इस वीडियो में उसके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करना है। तो जो क्वेश्चन पेपर था वो काफी अच्छा क्वेश्चन पेपर था, काफी हाई स्कोरिंग हम कह सकते हैं, जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स एक स्टूडेंट्स ऑब्टेन कर सकता है। क्योंकि पिछले 2 सालों से जो क्वेश्चन पेपर्स आ रहे थे वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल पे थे स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टूडेंट्स यूजुअली एक हैबिट होती है पढ़ने की, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ के जाते हैं, सारा डिटेल में थोरोली नहीं पढ़ते हैं, इसलिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है अगर वो आता है तो क्वेश्चन पेपर इजी होता है, और अगर वो नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन पेपर टफ होता है। ऑल द लास्ट 2 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, सारे क्वेश्चंस वो हैं जो सिलेबस में हैं, सारे के सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस वो हैं जो हमारे यूट्यूब चैनल पे डिस्कस हुए हैं, उन टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं। तो मैं नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट थे, बट यस, स्टूडेंट्स जो काट छाट के चीजों को पढ़ते हैं उनके लिए तो सिर्फ वही चीज आसान है जो उनकी पढ़ी हुई आती है। तो राइट तो फिलहाल हम ही क्वेश्चन पेपर अगर हम देखें तो इस बार आपको पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट होके आए हैं, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर न्यूमेरिकल की बात करें, इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स ओनली, क्योंकि जितने भी थ्योरी क्वेश्चन और टॉपिक्स हैं यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे ऑलरेडी डिटेल में चैनल के ऊपर डिस्कस हो चुके हैं। ठीक है, तो उन पे हमें फिलहाल कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो आप उन पर्टिकुलर वीडियोस को देखें, मॉड्यूल्स के अंदर जाएं, उन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें, और सीधे सीधे आपको इन सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के आंसर्स आराम से मिल जाएंगे, आप उनको आराम से कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या न्यूमेरिकल्स थे, किस तरह से उनको सॉल्व करना था, और क्या उनके आंसर्स आने चाहिए। अगर आप देखें तो बिल्कुल सही पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर बना था, जिस तरह से एक रूटीन पैटर्न यूनिवर्सिटी का होता है। फर्स्ट सेक्शन में 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन थे और कोई भी न्यूमेरिकल यहाँ इंक्लूड नहीं था। सेक्शन बी में पांचों के पांचों मॉड्यूल के 5 सवाल थे, एक एक मॉड्यूल का एक एक क्वेश्चन, जिसमें से सिर्फ फर्स्ट मॉड्यूल का एक क्वेश्चन दिया हुआ था न्यूमेरिकल, जो कि नोडल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड था, और कोई भी न्यूमेरिकल सेक्शन बी में नहीं है। सेक्शन सी में भी पांचों मॉड्यूल के क्वेश्चंस थे इंटरनल चॉइसेस के साथ, जिसमें मॉड्यूल 1 के 2 सर्किट्स यहाँ पर दिए थे, जिनमें एक मैश करंट मेथड, मैश एनालिसिस का क्वेश्चन था, दूसरा नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 में कोई न्यूमेरिकल नहीं था, यानी कि मॉड्यूल 2 से कोई भी न्यूमेरिकल इस बार पेपर में नहीं पूछा गया है। ठीक है, चैप्टर 3 से आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो ट्रांसफॉर्मर का एक न्यूमेरिकल यहाँ दिया है, जो कि बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन है, जो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी के ऊपर बनता है। चैप्टर नंबर 4 यानी कि डीसी मशीन में भी एक बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल यहाँ पर दिया था, और चैप्टर नंबर 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये पेपर इस बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आया था, काफी अच्छा पेपर था। आपको जब आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे सेकंड सेमेस्टर में, तो आपको एंड ऑफ द सेमेस्टर जब आप सब पढ़ चुके होंगे तो आपको लगेगा कि ये पेपर कितना अच्छा था। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार ही ऐसा पेपर आएगा। जैसा मैंने आपको बताया, पिछले 2 सालों से क्वेश्चन पेपर्स थोड़े से ट्रिकी थे, अच्छे पेपर्स थे, करने लायक पेपर्स थे। इवन इस बार भी अगर आप देखें तो ये जो रेगुलर का पेपर थे है, सिर्फ यही आपको नजर आ रहा है आसान है। इसके अलावा मैं कुछ पेपर्स और डिस्कस करूंगा जो इसी सेमेस्टर में कैरी ओवर वाले स्टूडेंट्स के लिए आए और एक्स स्टूडेंट्स के लिए आए, जो पहले फेल हो चुके हैं, इस बार पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, वो पेपर्स काफी अच्छे थे। राइट, तो यूनिवर्सिटी के एक पेपर को देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि पेपर हमेशा आसान आएगा। ठीक है, आपको अपनी तैयारी थोरली करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ही बार में क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा होता है, फेल हो जाते हैं तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम आती है। मेरा सजेशन है कि आप YouTube चैनल जो यहाँ पे आपके पास है अग्रवाल ट्यूटोरियल्स, उसको अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से उसको पढ़ें, उससे नोट्स बनाएं प्रॉपरली, टाइम लेकर के नोट्स बनाएं, उससे शॉर्टकट पाने की कोशिश ना करें, सब कुछ एकदम रेडीमेड मिल जाए उसकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ना करें। सब्जेक्ट के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंटली
कोई भी क्वेश्चन पेपर चाहे वो कैसा भी हो उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एनीवेज जितने भी पेपर्स हैं मैं सबको डिस्कस करूंगा। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ फर्स्ट ईयर का जो रेगुलर पेपर इस बार आया था उसी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने न्यूमेरिकल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो टॉपिक्स अगर नहीं पढ़े हैं तो आई एडवाइज यू ऑल कि पहले उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, चैनल पर जाकर उन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करें, पढ़ें, उनको लिखें अच्छे से, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तब आपको प्रॉपरली चीजें समझ में आएगी। डायरेक्टली इन पे जंप करेंगे तो हो सकता है आप चीजों को याद कर लें लेकिन याद किया हुआ कभी भी हमें पेपर्स में काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो डू नॉट ट्राई टू रिमेम्बर देम कि ऐसा करना है और वैसा करना है, समझें प्रोसेस को, मेथड को, प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही क्वेश्चंस के ऊपर जंप करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेक्शन ए में कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है चैप्टर टू का पार्ट नंबर सी, जिसमें आपको एक साइनसोइडल फंक्शन दिया है आई इज इक्वल्स टू आई एम साइन अल्फा और उसमें आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आरएमएस वैल्यू हम ऑलरेडी चैप्टर टू में छोटे से डेरिवेशन करते हैं एक साइनसोइडल फंक्शन का, जहां पर हम ड्राइव करके कैलकुलेट करते हैं कि जो साइनसोइडल फंक्शन है उसका किसी भी साइनसोइडल फंक्शन का जो आरएमएस वैल्यू होता है वो उसके मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस फंक्शन के लिए एक वेवफॉर्म प्लॉट करनी है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद आपको इसको सॉल्व करते हुए ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे जो फंक्शन दिया है उसका आरएमएस वैल्यू आई शुड बी इक्वल्स टू आई एम बाय रूट टू आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन एक यहाँ पर है जो डेरिवेशन से रिलेटेड है। सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी में जो पार्ट नंबर ए है वो नोडल मेथड का क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर वन जो डीसी सर्किट्स है वहां से आपको सर्किट दिया है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये था आपका क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर टू का ए पार्ट, जिसको आपको करना है नोडल मेथड से। ठीक है, और यहाँ पर आपको जो सॉल्व करने के लिए कहा है वो कहा है कि ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है ये निकालिए नोडल मेथड का यूज करते हुए। ठीक है, तो नोडल मेथड के जो बेसिक्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप देखिए प्रिपेयर करके, उसके बाद इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ जंक्शन हमारे पास दिखाई दे रहे हैं वो है नंबर वन जंक्शन, यहाँ पे जहाँ वी ए पोटेंशियल दिया है, दिस इज नंबर टू जंक्शन जहाँ वी बी पोटेंशियल है, और दिस इज नंबर थ्री जंक्शन जहाँ पर ऑलरेडी ग्राउंड किया गया है यानी कि यहाँ पे 0 वोल्ट्स है। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव थ्री जंक्शन, आउट ऑफ देम एक जंक्शन ग्राउंड कर दिया गया है, बाकी के जो दो जंक्शन है उनके ऊपर हमें एक इक्वेशन लिखनी है कि सी एल की किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग। तो दो जंक्शंस हैं, दोनों जंक्शंस पे जितने भी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं उनकी करंट्स को हम वहां पर मार्क कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम ऑल द करंट्स आर इन आउटगोइंग डायरेक्शन, लेट अस से दिस इज आई वन, दिस इज आई टू, दिस इज आई थ्री, लेट अस कॉल इट आई फोर एंड कॉल इट आई फाइव। ठीक है, ये पांच ब्रांचेस हैं, पांच करंट्स हमने अज्यूम कर लिए हैं। नाउ वी विल राइट द इक्वेशन एट जंक्शन ए। ए जंक्शन पर आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपको तीन करंट्स मिलेंगे, तीनों आउटगोइंग है एंड एज पर द कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग हियर इज दैट कि हम जितने भी आउटगोइंग करंट्स हैं उनको पॉजिटिव एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, तो थ्री करंट्स का सम इक्वल टू 0 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू केसीएल। नाउ व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ दीज करंट्स, कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो डिस्कस किया है हमने समझाया है वहां पर जो I1 का वैल्यू मिलेगा हमें वो मिलेगा VA माइनस 20 अपॉन 1 प्लस I2 का वैल्यू हमारे पास होगा VA अपॉन 1 प्लस I3 का वैल्यू होगा हमारे पास VA माइनस VB अपॉन 0.5 एंड इट शुड बी 0। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हुए हैं चैनल के ऊपर, नोडल एनालिसिस के ऊपर डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कैसे क्या करना है आपको, उसको जरूर देखें तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, जंक्शन बी पे देखते हैं। एट जंक्शन बी हमारे पास इक्वेशन बनेगी, जो तीन करंट्स हैं इनकमिंग को हम इस बार नेगेटिव लेंगे तो I3 इनकमिंग है बी जंक्शन के लिए एंड I4 और I5 दोनों आउटगोइंग है, तो ये हमारा KCL का इक्वेशन होगा। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I3, ऊपर हमने लिखा था VA माइनस VB बाय 0.5 जब करंट आउटगोइंग था, नाउ दिस टाइम इट इज इनकमिंग, तो एक माइनस का साइन उसके आगे हम लगाएंगे, हमें मिलेगा VA माइनस VB अपॉन 0.5 प्लस I4 का वैल्यू है VB अपॉन 2 प्लस I5 का वैल्यू है VB माइनस 20 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आपकी हो गई हैं, दोनों इक्वेशंस हमने लिख ली हैं, अब हमें सिर्फ दोनों का एलसीएम लेके उन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। दिस इज द ओनली वर्क नाउ जो हमें अभी करना है। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करके एलसीएम लेके हम सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, डायरेक्टली हमने सॉल्व किया इसको, एलसीएम लिया, उसके बाद सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बनाई जो कि हमारे पास आ रही है
4va माइनस ऑफ 2vb इज इक्वल्स टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को भी हमने सिंप्लीफाई करके लिखा, वो हमें मिल रहा है माइनस ऑफ 4va प्लस ऑफ 7vb इज इक्वल्स टू 40, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे va और vb के लिए। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस यूजिंग कैलकुलेटर वी आर गेटिंग va एज 11 वोल्ट्स एंड vb एज 12 वोल्ट्स। ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। नाउ क्वेश्चन था करंट निकालना था 2 ओम में। अकॉर्डिंग टू द सर्किट जो हमने एज्यूम किए हैं करंट्स, 2 ओम में जो करंट आ रहा है वो I4 है और I4 का वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है VB अपॉन 2। सो द करंट इन 2 ओम दैट इज I4 इज इक्वल्स टू VB अपॉन 2 और 12/2 दैट इज 6 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है जो कि 6 एम्पियर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो सेकेंड के ए पार्ट को डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ले लेते हैं। सेक्शन बी में और कोई न्यूमेरिकल नहीं है तो लेट्स गो अहेड। अब चलते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट, ठीक है, जो कि मैश एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा है कि जो सर्किट दिया है उसकी सारी ब्रांचेज में करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, जितने भी ब्रांचेज है यहाँ पर इन सबको हमें फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव। यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, उन सबकी वैल्यूज हमें दिखाई दे रही है, 20, 30, 40, 50, 10 एंड 60 ओम। ये सारे रेजिस्टेंसेज हैं और तीन बैटरीज हैं, 100 वोल्ट, 20 वोल्ट एंड 50 वोल्ट, राइट। तो मैश एनालिसिस लगाना है, मैश एनालिसिस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तीन मैश यहाँ पर हमारे पास है, तीन मैश में तीन करंट एज्यूम करेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कंसिडर दिस मैश 1 I1, मैश 2 I2 एंड मैश 3 दैट इज I3। ये तीन करंट्स हमारे पास आ गए हैं, तीनों करंट्स को सर्कुलेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन हम पोलैरिटीज जो कि रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उनकी पोलैरिटीज मार्क कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। एंड जितने भी बैटरीज हैं उनकी सबकी पोलैरिटी हमें पता है, ऑलरेडी गिवन है। जो लार्ज वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव होगा, जो स्मॉल वाला है वो नेगेटिव, और जितने भी ब्रांचेस बीच में लगी हैं वहां पर दो करंट्स का डिफरेंस आएगा। किसी भी एक करंट को बड़ा एज्यूम करते हुए हम यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर करंट हमारा है I1 माइनस I3, दिस इज प्लस दिस इज माइनस। हेयर वी हैव I1 माइनस I2, ऊपर प्लस नीचे माइनस, एंड हेयर वी हैव I2 माइनस I3, इधर प्लस इधर माइनस, ठीक है। तो ये हमारे सारे करंट्स हर एक ब्रांच में आ गए हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं केसीएल की केवीएल की इक्वेशन लिखने के लिए। नाउ किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए मैश 1 में इक्वेशन बनाते हैं। मैश 1 की जो इक्वेशन यहाँ बनेगी केवीएल के हिसाब से वो बनेगी 60 I1 प्लस 30 I1 माइनस I3 प्लस 50 I1 माइनस I2 प्लस 20 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0। ये मैश 1 का इक्वेशन हो गया। मैश 2 के लिए केवीएल अप्लाई करेंगे, हमारे पास इक्वेशन आएगा माइनस 20 माइनस 50 ऑफ I1 माइनस I2 प्लस 40 ऑफ I2 माइनस I3 प्लस 10 I2 माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा सेकेंड मैश का आ गया। मैश 3 के लिए हम सिमिलरली इक्वेशन लिख रहे हैं, 20 I3 माइनस ऑफ 40 I2 माइनस I3 माइनस ऑफ 30 I1 माइनस I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीनों इक्वेशन आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन करके इनके आंसर्स निकालने हैं। तो लेट अस सिंप्लीफाई ऑल थ्री इक्वेशंस। पहली इक्वेशन का सिंप्लीफिकेशन करके हमारे पास आएगा 140 I1 माइनस 50 I2 माइनस 30 I3 इज इक्वल्स टू 80। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा माइनस 50 I1 प्लस 100 I2 माइनस 40 I3 इज इक्वल्स टू 70। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन होगा माइनस 30 I1 माइनस 40 I2 प्लस 90 I3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, कैलकुलेटर की हेल्प से तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा I1 I2 I3 का। I1 शुड बी 1.648 एम्पियर, I2 शुड बी 2.121 एम्पियर एंड I3 शुड बी 1.492 एम्पियर। ये तीन आंसर्स हमारे तीन करंट्स के आ गए हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में आपसे कहा था कि सारे के सारे ब्रांचेस का करंट निकालना है। सारे ब्रांचेस मतलब जितने भी रेजिस्टेंसेज आपको दिख रहे हैं वो सब एक एक अलग अलग ब्रांच में है, ये सब करंट आपको चाहिए।
आपने निकाला है आंसर I1, I2, I3 का। दैट मींस ऐसी ब्रांचेस जहां पर करंट I1 हो, I2 हो और I3 हो, वो आंसर्स आ चुके हैं। जैसे I1 को अगर आप देखें तो इस 60 ओम में I1 फ्लो हो रहा है, इस 20 ओम में I3 फ्लो हो रहा है, इस 10 ओम में I2 फ्लो हो रहा है। इन तीनों ब्रांच का करंट निकल गया है। नीचे हम आंसर्स में लिख देंगे करंट थ्रू दिस ओम इज इक्वल्स टू इतना, करंट इतना इतना। उसके बाद जो बची हुई ब्रांचेस हैं, जैसे 30 ओम है, 30 ओम में करंट है I1 माइनस I3, तो वी विल राइट हियर करंट इन 30 ओम इज इक्वल्स टू I1 माइनस I3, उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। 40 ओम में I2 माइनस I3 है और 50 ओम में I1 माइनस I2 है। तो ये काम आपको लास्ट में करना है सारी ब्रांचेस के लिए। यहाँ टोटल 6 की 6 ब्रांचेस आपकी आ जाएंगी और आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहीं तक आप अगर आंसर छोड़ देंगे तो आपका जो आंसर है फाइनल आंसर वो कंप्लीट नहीं होता है। इस चीज का ध्यान रखिए कि ये चीज आपको करनी जरूरी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम क्वेश्चन का बी पार्ट है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है नोडल एनालिसिस से करने के लिए और कहा है कि सारी ब्रांचेस का करंट निकालिए। यहाँ पर भी सारी ब्रांचेस का करंट आपसे पूछा है, लेकिन मेथड लगानी है नोडल। यहाँ पे आपको अब सब्जेक्ट में दो ही मेथड्स हैं सर्किट सॉल्व करने के लिए, एक मैश मेथड है, एक नोडल मेथड है। दोनों के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हमेशा आएंगे, इसलिए दोनों के दोनों मेथड्स आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ताकि किसी भी सर्किट को जो पेपर में आ रहा है उसको आप सॉल्व कर सकें। एंड कोई भी सर्किट, चाहे किसी भी मेथड से कहीं भी लिखा हो, बुक में हो, किसी पेपर में हो, वो सब इस दोनों मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। तो आप किसी भी सर्किट को इन दोनों मेथड से सॉल्व करके देख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। चैनल पे भी बहुत सारे सर्किट्स हैं जो हमने सॉल्व किए हैं, प्रैक्टिस के लिए आपको दिए हैं, उनको भी जरूर एक बार सॉल्व करें ताकि आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है हमारे पास सर्किट जिसमें हमें नोडल अप्लाई करना है। नोडल एप्लीकेशन के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ जंक्शंस। यहाँ पे एक जंक्शन हमारा ये है, दैट इज बी पॉइंट लिखा है, जहाँ पे एक जंक्शन ये है जहाँ सी लिखा है, और एक जंक्शन नीचे बनेगा जो कि एक कॉमन जंक्शन होगा सभी को अगर कंबाइंड करें, बिकॉज देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस इन दीज पॉइंट्स। यहाँ पर आपका एक ग्राउंडेड जंक्शन हम ले लेते हैं जिसका वोल्टेज 0 वोल्ट हो गया। तो दो अननोन जंक्शन है बी और सी, जिनके लिए हमें दो इक्वेशन लिखनी है केसीएल की और सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हर जंक्शन पे हमें चाहिए करंट्स डायरेक्शंस के साथ। करंट्स को एज्यूम कर लेते हैं, देखें यहाँ पर एक करंट लिखा हुआ है I1 जो कि इनकमिंग डायरेक्शन में है। हम इसको एज इट इज भी कंसीडर कर सकते हैं, हम इसको आउटगोइंग कंसीडर करके भी कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर हम बी जंक्शन पे इक्वेशन लिखते हैं एट बी एज इट इज, जो भी जंक्शन पे करंट मार्क्ड है यहाँ पे उनके हिसाब से, ये बनेगा माइनस ऑफ I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ I3 इज इक्वल्स टू 0। और जंक्शन सी पे जो करंट मार्क्ड है उसके हिसाब से इक्वेशन बनेगी माइनस ऑफ I3 प्लस ऑफ I4 प्लस ऑफ I5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इन डायरेक्शंस के हिसाब से हमें सॉल्व करना है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें मिल रहा है I1 का वैल्यू। अगर आप I1 को देखोगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, आपके पास यहाँ पर I1 को कैलकुलेट करने के लिए आउटगोइंग डायरेक्शन में अगर आप उसको देखते हैं तो यहाँ पर मिलता है VB माइनस 100/20, और आपको अगर चाहिए माइनस ऑफ I1 तो ये बन जाएगा 100 माइनस VB/20। ठीक है, तो ये हमारे हाथ में है, हम इसको कैसे भी कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम क्या करते हैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए, यहाँ पर इसको आउटगोइंग कंसिडर कर लेते हैं ताकि हमारा जो यूजुअल अप्रोच है क्वेश्चन को करने का वो चेंज ना हो, क्योंकि अगर हम चेंजेस करते हैं तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है और कंफ्यूजन से ही हमें दूर रहना है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंफ्यूजन को ही हमें अवॉइड करना है। तो अगर हम इस करंट को आउटगोइंग मान लेते हैं कुछ देर के लिए जस्ट फॉर द सॉल्यूशन पर्पज, तो हमें उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फाइनली जब हम I1 को निकालेंगे तो वो हम इसी डायरेक्शन में निकालेंगे जो कि जस्ट रिवर्स है हमारी डायरेक्शन का। तो हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं प्लस ऑफ I1 सो दैट सारे करंट हमारे आउटगोइंग डायरेक्शन में मार्क होके एक यूजुअल अप्रोच में आ जाए। राइट, तो जंक्शन बी पे I1 का वैल्यू हो गया VB माइनस 10, I2 का वैल्यू हो गया आपका VB/10 एंड I3 का वैल्यू हो गया आपका VB-VC/15। ये तीन करंट हमारे पास है। सिमिलरली I4 का वैल्यू हमारे पास है VC/10 एंड I5 को हम लिखते हैं VC--80/10। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, जो हम यूज करते आ रहे हैं पहले से सीखते हुए आ रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज कर रहे हैं। आपने अगर नहीं समझा हुआ है तो उसको जरूर समझें एक बार, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ ही करेंट्स की वैल्यूज को उठा के ऊपर की दोनों केसीएल इक्वेशन से पुट करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और दो इक्वेशंस बनानी है।
ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करके पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमारी जो दो इक्वेशंस आती हैं वो आ रही हैं पहले वाले जंक्शन से, यानी कि बी जंक्शन से जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 65 VB -20 VC इज इक्वल्स टू 1500, क्वेश्चन नंबर वन। और जो दूसरी इक्वेशन है वो बन रही है -2 VB +8 VC इज इक्वल्स टू -240, इक्वेशन नंबर टू। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं वीबी और वीसी के लिए। वीबी हमें मिल रहा है 15 वोल्ट्स और वीसी हमें मिल रहा है -26.25 वोल्ट्स, राइट। तो वीबी वीसी आ गया। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज करेंट्स, हमें इन सारे करेंट्स की वैल्यू की जरूरत है, ठीक है। तो आई वन को निकाल लेते हैं। आई वन है हमारा वीबी -100/20, वीबी हमारा 15 -100/20, इसको सॉल्व करोगे तो मिलेगा -4.25 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। रिमेंबर, ये डायरेक्शन का पॉइंट मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि हमने जो एज्यूम्ड डायरेक्शन ली है करंट आई वन की वो आउटगोइंग है, यानी कि जो आंसर निकला है वो इस डायरेक्शन में निकला है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पोलैरिटी और डायरेक्शन गिवन इन द सर्किट जो आई वन का आंसर उसको रिक्वायर्ड है वो रिक्वायर्ड है इस डायरेक्शन में। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, माइनस का प्लस करना है या प्लस का माइनस, जो भी हमें पोलैरिटी मिल रही है करंट की डायरेक्शन के साथ उसको जस्ट रिवर्स कर देना है। आई टू का वैल्यू हमें मिलेगा, आई टू है हमारा वीबी बाई 10, तो आई टू विल बी इक्वल्स टू वीबी 15/10, दैट इज 1.5 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। आई थ्री है हमारा वीबी -VC/15, वीबी -VC/15 को सॉल्व करके हमें मिल रहा है 2.75 एम्पियर इन दिस डायरेक्शन। आई फोर को सॉल्व करके हमें मिल रहा है जो कि है VC/10 1.5 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड आई फाइव का वैल्यू हमें मिल रहा है जो कि है VC+80/10, दैट इज 5.375 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। बड़े आराम से, आसानी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चौथे क्वेश्चन में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। पांचवा क्वेश्चन जो कि ट्रांसफार्मर के ऊपर बेस्ड है और एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है उसको देख लेते हैं। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी में जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं उनमें से ये जो क्वेश्चन पेपर में आया था ये इजिएस्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है जो एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। दिस इज द क्वेश्चन। आपको दिया है 100 kV का ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि जो पावर आउटपुट है ट्रांसफॉर्मर का V2I2 दैट इज 100 kVA, 100 × 10⁻³ वोल्ट एम्पियर। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है जिसमें आयरन लॉसेज हो रहे हैं 600 वॉट, तो PI का वैल्यू है 600 वॉट। आयरन लॉसेज को हम PI से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कॉपर लॉसेज दिए हैं 1.5 kW, जिसको हम PC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको वॉट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1500 वॉट आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है एफिशियंसी। ये जो कॉपर लॉसेज हैं ये फुल लोड करंट पे हैं। आपको पता होगा कि जो कॉपर लॉसेज है वो लोड पे डिपेंड करते हैं, लोड करंट पे डिपेंड करते हैं। तो जब भी हमें क्वेश्चन में कॉपर लॉसेज दिए जाते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फुल लोड करंट पे ही होते हैं, यानी कि फुल लोड पे होते हैं, ठीक है। और या फिर ये कह सकते हैं कि हमें ये क्वेश्चन करने के लिए कॉपर लॉसेज फुल लोड पर ही रिक्वायर्ड है, अगर हमें आगे सही करना है तो। अगर वो फुल लोड पर नहीं दिए हैं तो फिर गलत होना श्योर है। ऑल्दो ये सब चीजें फर्स्ट ईयर के सिलेबस में कहीं भी नहीं आ रही हैं, कहीं भी डिस्कस नहीं हो रही हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉपर लॉसेज जब हम एक ट्रांसफार्मर को रन कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं और उसके लॉसेज ऑब्टेन कर रहे हैं, तो लॉसेज आपके रेटेड वैल्यूज पर होने चाहिए। रेटेड वैल्यूज से हमारा मतलब है कि आयरन लॉसेज रेटेड वोल्टेज पे हो, क्योंकि आयरन लॉसेज डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, और कॉपर लॉसेज चूंकि वो लोड करंट पे डिपेंड करते हैं तो वो रेटेड लोड या रेटेड करंट पे होने चाहिए। आपके पास एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। एफिशिएंसी कैलकुलेटेड एट एनी रैंडम एक्स लोड शुड बी इक्वल्स टू x(P)/x(P) PI x²PC मल्टीप्लाइड विद 100। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। यहाँ पर जो P है वो है V2I2 cos5, ठीक है। P मतलब एक्टिव पावर, V2I2 cos5 जो हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है आउटपुट साइड पर, ठीक है। दिस इज द रिलेशन फॉर द एफिशिएंसी। आपको इस क्वेश्चन में दो पार्ट पूछे हैं। एक है फुल लोड पे एफिशिएंसी निकालना है, जहां पर 0.8 पावर फैक्टर हमारा दिया है। तो एफिशिएंसी एट फुल लोड यानी कि x=1 है और पावर फैक्टर का वैल्यू है 0.8। तो एफिशिएंसी एट x=1 विल बी इक्वल्स टू P दैट इज 100 × 10³ × cos5 दैट इज 0.8 upon 100 × 10³ × 0.8 + PI 600 + x²PC 1² × 1500 मल्टीप्लाइड विद 100, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेटर से सॉल्व करके फाइनल आंसर निकालना है।
तो हमें मिल रहा है 97.44%। ये हमारा पहला आंसर हो गया। दूसरे में आपको कह रहा है कि हाफ लोड पे एफिशिएंसी निकालिए और पावर फैक्टर यूनिटी है, यानी कि एक्स का वैल्यू 1/2 हो गया और पावर फैक्टर का वैल्यू 1 हो गया। तो एफिशिएंसी एट हाफ लोड इज इक्वल्स टू एक्स इंटू पी दैट इज 10^3 इंटू कॉस फाइव अपॉन हाफ इंटू 100 10^3 इंटू 1 प्लस पी आई दैट इज 600 प्लस एक्स स्क्वायर पी सी दैट इज 1/2 स्क्वायर इंटू 1500 एंड मल्टीप्लाइड विद 100। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, हमें मिल रहा है 98.08%। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज डन। ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द पेपर, ये है चैप्टर 4 का डीसी मशीन से रिलेटेड। इसको भी देख लेते हैं कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका ईएमएफ इक्वेशन ऑफ डीसी मशीन से रिलेटेड। डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन ई इज इक्वल्स टू होता है पी फाई एन जेड अपॉन 60A। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन को पढ़ के आपको कुछ डेटा मिलेगा, क्या क्या मिल रहा है। एक 6 पोल का मशीन है, 6 पोल, पी इज इक्वल्स टू 6 आपको दिया है। आर्मेचर वाइंडिंग है डीसी मशीन का, जिसमें 300 नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 300 गिवन है। ये जो मशीन है वो 100 RPM पे चल रही है, यानी कि जो स्पीड है कैपिटल एन वो है 1000 RPM, और ईएमएफ जनरेटेड इज 400 वोल्ट। जो ईएमएफ जनरेट कर रही है मशीन वो है 400 वोल्ट। ठीक है, ये सब आपको गिवन है। आपको निकालना है फ्लक्स पर पोल, यानी कि फाई का वैल्यू अननोन है। अब आप फॉर्मूले में देखेंगे तो आपको ई मिल गया, पी मिल गया, फाई अननोन है, एन पता है, जेड पता है, 60A, ए क्या है, व्हाट इज दिस ए। अब यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में लिखा है टू सर्क वेव कनेक्टेड आर्मेचर। ये जो है आपको बता रहा है कि इस मशीन में किस टाइप की आर्मेचर वाइंडिंग है। बेसिकली आर्मेचर वाइंडिंग में दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, पहला होता है वेव कनेक्शन, दूसरा होता है लैप वाइंडिंग टाइप। ठीक है, वेव टाइप ऑफ वाइंडिंग अगर दी जाती है तो वहां पर ए का वैल्यू 2 होता है। व्हाट इज दिस ए, दिस इज बेसिकली द पैरेलल पाथ्स इन द वाइंडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो पैरेलल पाथ्स की वैल्यू है वो 2 के बराबर होती है, जबकि लैप वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ्स है वो पी के बराबर, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं। यहाँ पर आपको एक टू सर्क वेव कनेक्टेड आर्मेचर दिया है, तो वेव तो आपको पता चल रहा है, लेकिन व्हाट डज इट मीन टू सर्क वेव। तो बेसिकली ये जो वर्ड है ये कंफ्यूज कर रहा है पूरी तरह से, कि स्टूडेंट गलती करे। हम इसका यहाँ पर ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि जो वेव कनेक्टेड आर्मेचर है उसमें 2 पैरेलल पाथ्स होते हैं, तो दैट इज बीइंग इंडिकेटेड हियर कि यहाँ वेव कनेक्शन में 2 पैरेलल पाथ्स हैं, जो कि यूजुअली कॉन्सेप्ट के हिसाब से होते भी हैं। और कोई यहाँ पर इसका स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, क्योंकि एज फार एज आई नो इस तरह का कोई सर्क वेव कनेक्टेड आर्मेचर जैसा वर्ड किसी किताब में अभी तक हमने नहीं देखा है, कहीं किसी एक्सप्लेनेशन में नहीं देखा है। तो आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू कंसिडर इट एज वेव वाइंडिंग वेयर पैरेलल पाथ्स इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो इन दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस डेटा वी नीड टू फाइंड आउट फ्लक्स फाई दैट विल बी इक्वल्स टू ई इंटू 60A अपॉन पी एन जेड। ठीक है, सारी वैल्यूज पता है, 400 × 60 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 1000 इंटू 300। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। फाइनली सिंप्लीफाई करके जो मिल रहा है कैलकुलेटर से वो मिल रहा है 0.0266 वेबर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये सारे न्यूमेरिकल्स हमारे इस पर्टिकुलर पेपर के कंप्लीट हो गए हैं, और आप देख रहे हैं कि सारे न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे आसान करने लायक थे, जिनमें हम आराम से फुल मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो सारे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, कोई भी ट्विस्टेड क्वेश्चन नहीं है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहां पर आपको बहुत ज्यादा ट्रिक लगानी पड़ेंगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा हाई स्कोरिंग क्वेश्चन पेपर था, जिसमें आराम से एक अच्छा स्कोर ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, आने वाले सेमेस्टर में क्या पेपर आएगा ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें तैयारी करनी है। इस तरह के जितने भी पेपर्स यूनिवर्सिटी के हमें मिलते हैं वो सारे हमसे बनने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन इन पेपर्स में अगर है तो वो हमें डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएंगे सिलेबस से ही, आउट ऑफ सिलेबस पेपर नहीं आता कभी भी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो बैक पेपर का क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसके क्वेश्चन जो थे वो अच्छे क्वेश्चन थे हम कह सकते हैं, जितना आसान ये था इससे थोड़ा डिफिकल्ट पेपर था। उसको भी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, जिसका सब्जेक्ट कोड होगा KEE 101T। ठीक है, जो पुराने ईयर का सब्जेक्ट कोड है, तो वो क्वेश्चंस भी
सबको आने चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस वहां पर पूछे गए हैं। टिल देन स्टे ट्यून टू द चैनल, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए चैनल को ताकि वो भी इस चैनल से बेनिफिट ले सकें, और चैनल से पढ़ के नोट जरूर प्रिपेयर करें। नोट्स किसी से लेना, क्योंकि उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अपने खुद के नोट्स बनाएं, पढ़ते हुए समझते हुए, तो ही आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।